बस से ट्रैवल करने के बाद हम अलेक्जेंड्रा रोड से आयन ऑर्चर्ड मॉल तो पहुंच गए और फिर आयन ऑर्चर्ड मॉल में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम यानी कि मैं और जीन हम दोनों ही अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि सिम लिम स्क्वायर के लिए आगे निकल गए। दिसंबर 2016 में फोर्ब्स ने आयन ऑर्चर्ड को सिंगापुर में शीर्ष शॉपिंग मॉल में से एक के रूप में मान्यता दी। आयन ऑर्चर्ड मॉल में खरीदने लायक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आपको महंगी ही मिलेगी। बाय द वे अब मैं जा रहा हूँ ऑर्चर्ड MRT स्टेशन और वहाँ से मैं पर्पल लाइन वाली MRT पकड़कर जाऊँगा ऑर्चर्ड, क्योंकि वहाँ से सिम लिम स्क्वायर हार्डली 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि अचानक तो अभी मैं सिम लिम इलेक्ट्रॉनिक्स सिम लिम आ चुका हूँ मैं, तो बस अभी यहाँ से मुझे खरीदना है माइक, तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ। और वो रहा सिम लिम ऊपर जो दिख ही रहा होगा शायद आपको, बस यही बिल्डिंग में जाना है मुझे और यही से मैं खरीदूँगा माइक, नया वाला माइक। उम्मीद करता हूँ कि शायद मिल जाए मुझे माइक तो अच्छा होगा, एटलीस्ट आवाज़ तो क्लियर पहुँचेगी आप तक। सिम लिम स्क्वायर को आमतौर पर SLS के रूप में जाना जाता है और SLS यानी सिम लिम स्क्वायर का जो नियरेस्ट MRT स्टेशन है वो ऑर्चर्ड MRT स्टेशन। सिम लिम स्क्वायर बेसिकली सिंगापुर में सबसे बड़ा IT बाजार है जो DVD, फ़ोन, कैमरा, वीडियो कैमरा और कंप्यूटर पार्ट्स और सर्विसिंग से लेकर कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेवाएं प्रदान करता है। एक बात तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिम लिम स्क्वायर में खास करके लोअर लेवल पर कुछ ऐसे शॉप्स भी है जो ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए टूरिस्ट के साथ स्कैम भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना। आखिरकार मुझे माइक मिल गया और हम सिम लिम स्क्वायर के बाहर आ गए। बाहर आते ही हमने माइक की टेस्टिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे वारंटी और गारंटी सिर्फ 7 दिनों की मिली थी। One, two, three, mic, mic, hello, hello, mic check, one, two, three, mic check, हाँ। तो अभी मैं सिम लिम के यहाँ पर आया था मैं, तो अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें थी। मुझे जीन ने बताया था कि यहाँ पर आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें यहीं पर मिलेगी ज़्यादातर, तो बस मैं यहीं पर आया था और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मैंने देखा, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी। तो उसमें से मुझे एक्चुअली जो चाहिए था माइक चाहिए था, तो मुझे माइक मिल गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो कॉस्ट थे वो मुझे मुंबई में मिला था कुछ 1000 रुपये में, 1200 रुपये में, लेकिन यहाँ पे मुझे 42.10 GST के साथ में पड़ा है, यानी डबल अमाउंट पड़ा है, यानी 2100-2200 के आसपास पड़ा है मुझे। तो बहुत ज़्यादा डबल अमाउंट दे दिया मुझे, मतलब ज़्यादा महंगे में मिला है मुझे यहाँ पर। अभी ज़रूरत थी इसलिए ख़रीदना था ही मुझे, तो इसीलिए ले लिया मैंने। तो मैं लेता ही नहीं, अगर 1-2 दिन के लिए रहता तो मैं लेता ही नहीं, लेकिन लेना है अभी और 13-14 दिन रहूँगा मैं यहाँ पर, इसलिए लेना ज़रूरी था मेरे लिए। एनीवे अभी मैं आया हूँ नीचे, अब यहाँ पर थोड़ा कुछ डिनर करने का प्लान है, तो बस अभी यहीं पर डिनर करके हम लोग चले जाएंगे किधर और अभी पता नहीं कहाँ, शायद घर ही चले जाएंगे, क्योंकि वैसे भी आज यहाँ वहाँ भटकते ही रहे हम लोग। तो अभी डिनर का प्लान है, तो बस यहीं पर आया हूँ मैं खाना खाने के लिए हॉकर सेंटर में, तो आपको दिखा दो क्या क्या खाना है। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो एक एक करके, तो पर अगर आपको एक चीज़ लेना तो शायद $1 है, वो लोगों तो उसका $1, हर चीज़ का $1 लगेगा आपको। तो आपके ऊपर है आपको क्या खाना है। अगर आप ये लेना चाहोगे तो ये $1 लगेगा वो, अगर आप मिक्स वेजिटेबल अगर कुछ लेना चाहोगे तो वो $1 लगेगा आपको। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो एक प्लेट में, जैसे शादियों में नहीं होता है वहाँ पर तो फ्री में मिलता है, यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैं भी अभी कुछ ऐसे ट्राई करने वाला हूँ, पिछली बार भी किया था, इस बार भी अभी वही करूँगा मैं। तो देखते कौन सा अच्छा खाना मिलता है, क्या अच्छा खाने मिलता है और कितना टोटल अमाउंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जिस जगह पर हूँ मैं वो सिम रिम और ABC की मैंने बात किया था, यहाँ पर भी लागू होती है ये, क्योंकि ये हॉकर सेंटर है तो यहाँ पर भी BCA लिखा हुआ रहेगा और मेरे सामने लिखा हुआ है इसका ग्रीन कलर में लिखा हुआ, ग्रीन कलर के पेपर पर पे लिखा हुआ है B यानी गुड एंड क्लीनलीनेस। तो B या A वाले जगहों के जो हॉकर सेंटर्स है वहीं से आप खाना लेंगे। एक बात तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अलग से फूड आइटम्स लेने के बजाय अगर आप वन मील सेट लेते हो तो आपको तकरीबन $2.5 से $2.8 तक खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से फूड आइटम्स लेते हो तो आपको पर फूड आइटम्स $1 to $1.7 तक मिल जाएगा, जिसमें कि हमारा ही लॉस होगा। इसीलिए आप जब भी किसी हॉकर सेंटर या फूड कोर्ट में जाओगे तो हमेशा वन मील सेट ही खरीदना, जिससे कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। तो अभी मैंने खाना ले लिया, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया। $5 में मुझे पड़ा है, यानी तकरीबन ₹250 में मुझे खाना पड़ा है। तो मैं बता दूं आपको मैंने क्या क्या लिया। तो मैंने लिया ये चिकन, ये है पोर्क और ये एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल और भिंडी और बैगन और चावल। तो एक प्लेट मुझे पड़ा है $5.10 का, तकरीबन ₹250 में मुझे पड़ा है। तभी मैं खा के दिखा था आपको कैसा टेस्ट। तो अभी मैंने खाना खा लिया है तो इतना कुछ मज़ा नहीं आया खाना खाने में। हालांकि मैंने $5.20 या $10 कुछ दिए थे, तो यानी ₹250 में इतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब सिर्फ चिकन भी इतना कुछ खास नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कब से रखा हो, मतलब एकदम फ्रेश नहीं था चिकन, फिर भी खा लिया मैंने। खैर अभी मैंने चाय लिया है और यहाँ पर मुझे जो टी यानी जो मिल्क टी यानी जो चाय, इंडियन चाय के हिसाब से अगर मैं कहूँ इंडियन चाय ही हो, मिनी मिल्क टी कहते हैं यहाँ पर। तो मिल्क टी का मुझे यहाँ पर चाइना टाउन में मुझे $1 में पड़ा था, यहाँ पर मुझे $1.20 में पड़ा है। हालांकि वहाँ पे जो चाय थी वो बहुत बढ़िया थी, यहाँ पे एकदम पानी जैसा चाय लग रहा है, तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा मुझे ये वो। तो इतना कुछ अच्छा नहीं है चाय यहाँ का। एनीवे अभी चाय तो मुझे चाहिए ही था, क्योंकि दर्द हो रहा है थोड़ा, इसलिए चाय लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। खैर मैं अभी चाय पीता हूँ, फिर आगे की बात बाद में करता हूँ। खा के हो गया, चाय पी के भी हो गया, अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं। शाम हो गई है, शाम के 7:30 बजे। तो बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अब यहाँ से कहाँ जाना है वो अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बुगी स्ट्रीट, जो तकरीबन 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। आखिरकार मैं बुगी स्ट्रीट पहुंच ही गया। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ बुगी स्ट्रीट के अंदर, एग्जैक्ट बुगी स्ट्रीट में। तो अभी अंदर जाके देखता हूँ कि कितने सस्ते में मुझे चीज़ें मिलती है। $10 ये बिल्कुल जू बीच पर जो दुकानें हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि जू बीच पे आया हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरह का लेफ़्ट राइट में। हालांकि ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी है ख़रीदने के लिए। वहाँ पे तो सिर्फ खाना रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए। just tell me where and I'll come see ya. बुगी स्ट्रीट में बहुत सी सुविधाएं आइटम्स जैसे कि चॉकलेट्स, टी शर्ट्स, की चेन्स, शूज़, वॉचेस और भी बहुत कुछ आपको चीप और सस्ते दामों में मिल जाएगी। और आप जब भी कभी बुगी स्ट्रीट में शॉपिंग करने के लिए आओगे तो बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा। अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो यही सारी चीज़ें आपको और भी सस्ते दामों में मिल जाएगी। जैसे कि एक टी शर्ट जो मुझे 200 रुपये में मिल रही थी, वही मैंने बार्गेनिंग करके 50 रुपये में खरीद ली। बुगी स्ट्रीट वाकई में एक शॉपिंग पैराडाइज है सिंगापुर में। यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बुगिस जंक्शन मॉल, जो यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। 1 से 4 अगस्त को कुछ थाईलैंड वीक है यहाँ पर, यानी 1 से 4 अगस्त को थाईलैंड वाले जो भी थाईलैंड की चीज़ें है वो यहाँ पर बिकेगी, शायद वो सस्ते में बिकेगी। तो देखूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या चीज़ें बेचेंगे वो लोग। हालांकि मैं ख़रीदूँगा तो बिल्कुल भी नहीं, अगर एकदम चीप में मिलेगा, एकदम चीप में, तो ही मैं ख़रीदूँगा। बुगिस जंक्शन एक बड़ा मॉल है, स्पेशली व्हेन यू कंबाइन विद बुगिस प्लस। यहाँ पर आपको ब्रांडेड चीज़ें तो मिलेगी, साथ ही साथ और भी कई चीज़ें खरीदने के लिए मिल जाएगी, वो भी चीप और सस्ते दामों में। चलते चलते मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के पास आ गया और मैं सीधा होटल के अंदर ही चला गया। ये सिंगापुर का 1 ऑफ द टॉप लग्जरीज होटल है। अभी मैं सिंगापुर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में आया हुआ हूँ। कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं दिया मैंने, सीधा अंदर आ गया मैं। अभी मैं सिंगापुर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में आया हूँ, तो फ्री एंट्री है, अंदर आ गया, पानी वानी पिया हूँ मैं, तो सब कुछ फ्री है यहाँ पर। तो बस अभी यहाँ पर बैठा हूँ और आराम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर 5-10 मिनट आराम करके फिर निकल जाऊँगा। कभी आप भी आओगे बुगी स्ट्रीट में तो यहाँ पर सामने ही बुगी स्ट्रीट के सामने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, अंदर आ जाइए आप और मस्त में आराम से एसी में बैठिए और 5-10 मिनट आराम करना है तो करिए, ये टॉयलेट यूज़ कराना तो करिए और फिर बाद में बाहर आप जा सकते हैं आराम से। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा होटल हमारे लिए ही बुक किया गया हो। इस होटल में कुछ देखने लायक चीज़ें भी थी। इस होटल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकल गए। बुगी स्टेशन से हम पर्पल लाइन वाले MRT पकड़कर अब लैब्राडोर पार्क MRT स्टेशन जा रहे हैं। अभी सीधा मैं घर जा रहा हूँ, सब कुछ हो गया, जितना भी घूमना था घूम लिया मैं। तभी घर जाने से पहले कुछ खरीद के जाना चाहता हूँ। रात के डिनर के लिए। डिनर तो हो गया, बस फिर भी फ्रूट्स वूट्स लेने के लिए आया हूँ, ताकि कल से अकेले घूमूंगा मैं। तो बीच में भी घूम रहा था अकेले, लेकिन जिन थी तो थोड़ा सपोर्ट था, मतलब ईजी पड़ रहा था घूमना। क्योंकि कल से अकेले घूमूंगा इसलिए फ्रूट्स ले रहा हूँ मैं, थोड़ा अपने लिए फ्री आसी से निकलूँगा। एक चीज़ दिखाना चाहता था आपको, ये गोल्डन लेमन जो कि कोरिया का है, कोरिया से आया हुआ लेमन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कोरिया। क्या है यहाँ पर? कुछ चीज़ें महंगी तो कुछ चीज़ें सस्ती भी थी, लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे सस्ती और रीज़नेबल लगी वो थी ये चिकन तंदूरी। इनमें से एक पूरा चिकन तंदूरी हमें सिर्फ 250 रुपये में मिल रहा था, जबकि यही हमें इंडिया में 350 से 450 के आसपास मिलता है। जाते जाते जिन ने हम दोनों के लिए एक आइसक्रीम बॉक्स भी ले लिया। अभी ये सामान ले लिया मैंने, और फिर गया था मैं 7-Eleven में। वहाँ पर तो हर चीज़ इतनी सस्ती थी, यानी स्पोर्ट्स ड्रिंक भी वहाँ पर था जो कि $1 में मिल रहा था। तो और वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि 4 अगस्त तक सब चीप रहेगा, तो मैंने स्पोर्ट ड्रिंक्स ले लिया कल के लिए, और थोड़े बहुत बिस्किट्स भी ले लिए, क्योंकि आगे काम ही आएंगे वो। तो अगर कभी आपको कुछ ख़रीदना होगा, खाना पीना या मॉल में अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ ख़रीदने के लिए, तो 7-Eleven में आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 7-Eleven एक ऐसी जगह है कि आपको सब सस्ते में ही मिलेगा वहाँ पर। तो मैं हमेशा आपको 7-Eleven ही प्रीफ़र करूँगा, अगर आपको कुछ भी लेना हो तो वहाँ पर आपको हमेशा सस्ता ही मिलेगा। या तो आप मॉल में, अगर आपको मिलता है कोई ऐसा शॉप जो $1 हो तो अच्छी बात है, कि $1 शॉप अगर हो अंदर मॉल में तो और भी अच्छी बात है आपके लिए, तो फिर आप वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो। तो चलिए अब मैं जाता हूँ, मेरा टाइम हो गया घर जाने का। आज आराम करूँगा और कल फिर से एक नए ट्रिप के लिए निकल जाऊँगा। एक पता नहीं कहाँ जाने वाला हूँ मैं कल, लेकिन देखूँगा। फिर से आज रात में तो आराम करूँगा, कल सुबह उठ के फिर से चेक करूँगा कहाँ जाना है। हालांकि प्लान है बोटानिकल गार्डन जाने का, तो देखते हैं कल का कैसा क्या प्लान बनाता हूँ मैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, गुड नाइट।